हेलो जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली से। आज हम बात करते हैं गे की। बहुत लोग ये समस्या किसी को भी बताते रहे, पर दुनिया आगे बढ़ रही है, गुप्त ज्ञान फैल रहा है, यौन शिक्षा फैल रही है, गवर्नमेंट बड़ा मदद कर रही है इसमें, तो अच्छी बात है। पर लेकिन लोग जो झिझक है, हेजिटेशन है, वो बनी हुई है। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया किसी का, पिछले दिन ही न्यूली वेडेड औरत थी, कोई उसने फ़ोन किया है कि मेरी अरेंज मैरिज हुई है जी, और मेरा हस्बैंड मेरे साथ लव बहुत कम करता है और दोस्तों की बातें करता है। एक बार तो हमारे घर के डाइनिंग रूम में मैंने उसको अपने दोस्त के साथ किस करते हुए भी देखा, तो मुझे पता चल गया, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे इस बात का पता चल गया मेरा हस्बैंड गे है, तो अब मैं क्या करूं? देखिए, मैं ये कहता हूं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। याद है, कोई आदमी पान खाता है, थूकता है, तो दूसरे को बुरा लगता है ना, पर उसको अच्छा लगता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये उसकी आदतें हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से उनके साथ इंटीमेट ज़्यादा होजिए, उनको अकेला मत छोड़िए, उनको ज़्यादा प्यार करें, अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करें, स्माइल दें, उनकी हर बात में हाँ मिलाएं, उनकी कमियाँ मत निकालें, ये कमी नहीं है। अगर आप कमियाँ निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर नेचरली उसमें आपका दूरियाँ बढ़ेंगी, फिर उसका है क्या क्लेश या सेपरेशन। इससे बचने के लिए इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कोई कैसा है। अगर आप इस विवाहित जीवन को, अरेंज मैरिज को अच्छा समझते हैं, तो धीरे धीरे ये आदत ठीक हो जाएगी। और बार बार उनको उनकी औकात, उनकी पर्सनैलिटी, वो कैसे समाज में रह रहे हैं, बातें याद करवाएं, किसी को थोड़ा बताएं, मम्मी को, पापा को, किसी को पता चल जाता है इस बात के लिए तो आपको कैसा लगेगा। इन बातों को बचाएं, आप मेरे को प्यार करो, मैं आपको प्यारी नहीं लगती, ऐसी बातें करें, तो नेचुरली ये बात कम होती जाएगी। इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप काउंसलिंग के लिए जब मर्जी अशोक क्लिनिक पीतमपुरा में आ सकते हैं, हम आपको समझाएंगे, काउंसलिंग लेंगे, कोई बात नहीं उसमें। डरने की कोई बात नहीं होती, ऐसे औरतों में भी बातें निकलती हैं, आदमी कितनी बातों को झेल लेते हैं, तो आप इस बात को बर्दाश्त कीजिए और सहज दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच के उनको प्यार करते रहिए, उनको अकेला मत छोड़िए। दोस्त मित्र आते हैं तो एक दोस्त नहीं, दो दोस्त बुलाइए, आप अपनी फ्रेंड भी बुलाइए, ताकि चार आदमी मीटिंग करके, गपशप करके, चाय पानी पी के, खाना खा के आपके साथ एंजॉय करें, और आपके हस्बैंड को वो मौका ही ना मिले ताकि वो इस बात को एंजॉय करें या इस बात में इन्वॉल्व रहें। इसका यही तरीका है, दवाइयों की इसमें ज़रूरत नहीं है। आज मैंने ये खास बात काफ़ी देर के बाद, क्योंकि मैं खुद भी सोच रहा था कि करूँ कि नहीं, इंक्वायरीज बहुत आती हैं, लोग बहुत आते हैं, पर हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग, समझाना, गुप्त ज्ञान देना, नॉलेज देनी। नमस्कार।